क्या आपने अपना फेसबुक पेज बनाया और वो ग्रो नहीं कर रहा, उसको लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे और आप परेशान हैं? परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे 18 वेज जिनके थ्रू आप अपने फेसबुक पेज को स्क्रैच से एंड तक बिल्ड कर सकते हो, इंगेजमेंट, लाइक्स, कमेंट, शेयर्स इंक्रीज कर सकते हो, फॉलोशिप बढ़ा सकते हो अपनी। कैसे करना है ये सारा कुछ, ये मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आपको पता है आपने क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और रिंग नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि जब भी हम कोई हेल्पफुल कॉन्टेंट बनाएँ वो आप तक पहुँचता रहे। सो आप इस बारे में परेशान है कि आपने अपना फेसबुक पेज बनाया है बट उसको इनफ लाइक्स नहीं मिल रहे या फॉलोअर्स नहीं मिल रहे, सो कैसे इसको करना है? सिंपली नंबर वन तरीका है कि आप फेसबुक ऐड चला लें। ऐड चलाने से क्या होगा, आप ऐड चलाने की वीडियोस मैंने क्रिएट की हुई है, इंगेजमेंट का ऐड आप रन करें जिससे आपका ब्रांड की विजिबिलिटी इंक्रीज होती है और आप कन्वर्जन ऐड से भी अपने फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आप इंगेजमेंट का ऐड सेटअप करें और रन करें एड्स मैनेजर में जाके। अभी आप देखेंगे कि कैसे रन हो सकता है इंगेजमेंट का ऐड। सो दैट्स नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग है कि आप लोगों को इनवाइट करें अपने पेज को लाइक करने में। ये बहुत ऑब्वियस बात है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में 4000 लोग हैं तो आपने 4000 के 4000 लोगों को इनवाइट ज़रूर भेजना है। वो लाइक करें या ना करें ये उनका प्रॉब्लम है, लेकिन आपने सब लोगों को इनवाइट ज़रूर करना है। इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्विटेशंस भेजने से आप टेम्परेली ब्लॉक हो गए हो, सो कोई मसला नहीं। आप दिन के डिसाइड कर लो कि रोज़ के मैं 10 इन्विटेशंस भेजूंगा। लाजमी नहीं कि एक ही दिन में सारे भेज लें, रोज़ के 15 भेजूंगा। सो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को कहो कि वो आपके पेज को लाइक करें, ठीक है? फिर वो लोग जिन्होंने अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई ऐड चलाते हैं, कोई कॉन्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, उसके आगे लिखा होता है कि इतने लोगों ने लाइक किया और इनमें से इतने पेज के लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी आपके पेज को लाइक किया हुआ है और इतने हैं जिन्होंने नहीं किया हुआ, उनके आगे लिखा होता है इनवाइट टू लाइक पेज, इनवाइट टू लाइक पेज। सो आप इनवाइट टू लाइक पेज उनके ऊपर क्लिक करो, ताकि जो लोग आपके एड्स देख रहे हैं या आपका कंटेंट देख रहे हैं और आपके पेज को उन्होंने लाइक नहीं किया हुआ, तो वो भी आपके पेज को लाइक करें। नंबर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि वायरल कंटेंट बनाएं। वायरल कंटेंट से क्या मुराद है? एक तो फ्राइडे के दिन 4 बजे के अराउंड आप अगर वायरल कंटेंट प्रोड्यूस करें तो वो काफ़ी अच्छा होता है। वेडनेसडे को 3 PM वर्किंग डेज में 4 बजे से पहले पहले रात के टाइम कंटेंट की इतनी इंगेजमेंट नहीं होती। फ्राइडे को लोग ज़्यादा हैप्पी होते हैं, सो अगर क्योंकि वीक ऑफ हो रहा होता है, सो अगर आप फ्राइडे के दिन में कोई फ़नी पोस्ट, अपनी इंडस्ट्री से रेलिवेंट कोई मीम्स, कोई कंटेंट इस तरह का बना रहे हैं, तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि इट कैन बी वायरल। सो वायरल पोस्ट आप किस तरह बना सकते हैं? यूजुअली हमने देखा है इंटरटेनिंग और फनी कंटेंट वायरल होता है, सीरियस कंटेंट कम वायरल होता है। सो आप अपने ब्लूपर शेयर कर सकते हैं, बिहाइंड द सीन्स शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के अराउंड कोई जोक्स बना सकते हैं, कोई मीम्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई ट्रेंडिंग जो ट्रेंड हैकिंग होती है। अभी मेरा एक दोस्त है, उसका एक चैनल है यूट्यूब पे और वो इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहा है एंड उसके चैनल के 300 सब्सक्राइबर्स थे कुछ दिन पहले एंड देन उन्होंने सिर्फ एक वीडियो शूट की, वो निमरा अली। आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली काफ़ी सोशल मीडिया पे उनकी हाइप थी, निमरा अली की एक बंदी थी वो इंटरव्यू में आई और उसने उसका इंटरव्यू जब निमरा अली का करके अपलोड किया तो उसके चैनल के 4000 सब्सक्राइबर्स हो गए। सो 300 से 4000 या सम 3,500 समथिंग, सो इतनी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उसके सिर्फ एक वीडियो की वजह से इंक्रीज हो। तो ट्रेंड हाईजैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चल रहा है ऑलरेडी और आपने उसको किस तरह अपने लिए इस्तेमाल करना है। गिव अवेज दें, गिव अवेज बहुत ज़रूरी हैं, ना सिर्फ अपने कंटेंट में बल्कि इमेज पोस्ट्स के थ्रू, वीडियोस के दौरान, डिफरेंट तरीक़ों से। गिव अवे देने का बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि आप एक दिन अनाउंस करते हो और बीच में हफ्ते भर का टाइम रखते हो लाइक शेयर कॉमेंट के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको लाइक शेयर कॉमेंट कर सकें। लाइक जो लोग हमारे पेज पे मैक्सिमम कमेंट करेंगे या मैक्सिमम शेयर करेंगे या फलां चैलेंज है इसको करेंगे। सो आपने इस तरह गिव अवेज अनाउंस करने हैं, सिर्फ फेसबुक पे नहीं, आप डिफरेंट जगहों पे भी अनाउंस कर सकते हैं। अटेंशन ग्रैबिंग कंटेंट पोस्ट करें, ऐसा कंटेंट बनाएं जो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जो लोगों के मसाइल के बारे में बात करता है। ऐसा नहीं कि आप अपना जो आपका दिल कर रहा है बस आप आए और बोल के चले गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नज़में लिखती हूँ,
ठीक है। अब मैं अगर अपनी वीडियोज़ ये जो आपके आप लोगों के सवालों के जवाब दे रही हूँ इसकी बजाय मैं आके अपनी नज़में सुना सुना के चली जाऊँगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी नज़में या मेरी शायरी आप लोगों के लिए शायद अभी ऑडियंस के लिए इतनी मेच्योर भी नहीं है और उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और जो लोग दानकाश के फॉलोअर्स हैं वो IT से, ऑनलाइन अर्निंग से, इन चीज़ों से रेलिवेंट कॉन्टेंट देखना चाहते हैं, वो नज़मों के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। सो मेक श्योर कि जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है उससे रेलिवेंट ऑडियंस है, उसी से रेलिवेंट कंटेंट क्रिएट किया जाए। फॉर एग्जांपल जिफ्स हो गई, इन्फोग्राफिक्स हो गए, मीम्स हो गए, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। जिफ्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। सो आप कलर चेंज करने वाली जिफ लगा लें या कोई हेलो हाई वाली बना लें। सो आप कंटेंट के आइडियाज़ पिंट्रेस्ट से ले सकते हैं और बहुत सारी जगहों से देख सकते हैं कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। फिर फेसबुक लाइक्स का ज़रूर पॉपअप अपने फेसबुक अपनी वेबसाइट और अपने बाकी जगहों पर रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑप्टी मॉन्स्टर एक टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर फेसबुक पेज लाइक का पॉपअप रखने के लिए। और उसके अलावा आप खुद भी देख सकते हैं, अपने प्रोग्रामर से डिस्कस कर सकते हैं कि मैंने किस तरह करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपअप्स नहीं कि यूट्यूब का भी है, फेसबुक का भी है, इंस्टाग्राम का, बस एक आधा पॉपअप रख। फेसबुक लाइव ज़रूर करें। हमें तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 1.5 से 2.5 साल हो गए हैं कि हम हर जुम्मे को 8 बजे फेसबुक पर लाइव जाते हैं एंड हमारी ये रूटीन है। सो आपने भी इसको लाजमी इस्तेमाल करना है। फेसबुक लाइव का इतना फ़ायदा है यार, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये मिसाल मैं बार बार देती हूँ और मैं वाकई दिस इज़ ट्रू कि वो लोग जो औरतें हैं उनको फेसबुक का पता चला, वो फेसबुक लाइव करके किसी शॉपकीपर की शॉप पर बैठी हैं और शूज़ दिखा रही हैं, दुपट्टे दिखा रही हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स उठा उठा के दिखा रही हैं, 200 में ये ले लो, 400 में ये ले लो, और वहाँ बैठे बैठे वो सेल्स क्लोज कर रही हैं। सो फेसबुक लाइव का इस्तेमाल करते हुए अगर वो कर सकते हैं तो वाई नॉट यू। आप एक अपना कोई वो बना लो, स्ट्रीम बना लो कि एवरी ट्यूसडे हम लाइव किया करेंगे। सो मेक श्योर कि आप फेसबुक लाइव ज़रूर किया करें। पार्टनर विद एन इन्फ्लुएंसर, अगर आप चाहते हैं कि आप के जो फॉलोअर्स हैं वो आपको सीरियस ले और आपके साथ लॉयल हों, तो फिर आप उन लोगों को रीच करें जिनसे आपके फॉलोअर्स इंस्पायर्ड हैं, जिनसे आपके फॉलोअर्स ऑलरेडी रिलेट करना चाहते हैं, जो कि उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं। उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप पार्टनर करें, उनके साथ अपना कंटेंट शेयर करें, वो आपका कंटेंट शेयर करें, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें। आप इजीली गूगल पे भी जा सकते हैं और जाके लिखें जो भी आपकी नीश का नाम है, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक ब्लॉगर, तो आपके सामने टॉप ब्लॉगर्स आ जाएंगे, फैशन ब्लॉगर, स्पोर्ट्स ब्लॉगर, इंटरनेट ब्लॉगर, डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉगर। सो इसी तरह आप गूगल पे लिखेंगे तो आपके सामने टॉप इन्फ्लुएंसर्स उनके फ़ैन पेजेस आ जाएंगे, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और आप उन्हें अपना एक सैम्पल प्रोडक्ट भी भेज सकते हैं कि ये मेरा सैम्पल प्रोडक्ट है, या अपनी सर्विस अगर तो आप उन्हें 15 डेज़ की अपनी सर्विस फ्री में दे सकते हैं और फिर उनको कह सकते हैं कि आप उनको फेसबुक पे अपने फेसबुक पेज पे वो आपको टैग करें या आपके बारे में एक वीडियो बना दें या आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर दें थोड़ा सा, सही है। फिर दूसरे फेसबुक पेजेस के साथ अच्छी कोलैबोरेशन बिल्ड करें जो आपकी नीश में है, उनसे कहें कि वो आपको टैग करें, आप उनको टैग करें जिनकी सिमिलर ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप घड़ियां बेचते हैं तो कोई ब्रांड है वो सनग्लासेस बेचता है, सो आप उनको उनकी प्रोडक्ट शेयर करें, वो आपकी प्रोडक्ट शेयर करें, ठीक है। सो ऑटोमेशन टूल्स इस्तेमाल करें अगर आप अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। सो आपके पास टाइम नहीं होता, आप पोस्ट नहीं कर सकते, भूल जाते हैं पोस्ट करना, तो एक स्केड्यूल बना लें, ठीक है। अगर आपके पास 20 मिनट या आधा घंटा भी है ना अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, फेसबुक मार्केटिंग के लिए, तो आप उस आधे घंटे के अंदर 8 पोस्ट पूरे हफ्ते की एक ही दफ़ा स्केड्यूल कर दें और फिर आप उनको शेयर करते रहें। उसके अंदर आप प्रोडक्ट पिक्चर्स डाल सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं, फ़नी वीडियोज़ डाल सकते हैं। सो आप फ्राइडे को, मंडे को किसी एक दिन बैठ के स्केड्यूल कर दें बफर या हॉटसूट के टूल इस्तेमाल करते हुए, फिर रेस्ट ऑफ द वीक आप इसी तरह आपका कॉन्टेंट पोस्ट होता रहेगा। लाइक विजिट होता है ना, वो अपनी वेबसाइट में ज़रूर ऐड करें, अपने ई कॉमर्स स्टोर में, अपनी वेबसाइट में, जहाँ पे भी है, ताकि लोग आपके पेज को लाइक कर सकें। अपने सोशल मीडिया लिंक्स अपनी वेबसाइट के फुटर में लाजमी इंक्लूड करें, मेन्यू में, हेडर में इंक्लूड करें, जहाँ भी करें आप ज़रूर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आपके सोशल मीडियाज़ हैं उनमें इंक्लूड करें। जब आप ईमेल्स भेजते हैं तो अपने ईमेल के सिग्नेचर के अंदर अपना नाम के साथ, अपने पेज के नाम के साथ अपने पेज के लिंक्स लाजमी इंक्लूड करें।
वीडियो मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा लेवरेज भी उसको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अटेंशन भी मिल रही है और बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करी है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट और इमेजरी, क्योंकि वीडियोस से लोग देखते हैं ना यार, वो रिलेट कर पाते हैं, उनको समझ बेहतर आती है. सो अगर आप चाहते हैं कि आपको नई ऑडियंसेस मिले, आपकी ऑडियंस इंक्रीज हो, सो आप वीडियोस की कंटेंट स्ट्रेटजी बिल्ड करें और फिर वीडियोस बनानी शुरू करें. ठीक है, कम्युनिटी के साथ भी इंगेज करें. बहुत ज़्यादा लोगों की ये गलती होती है कि वो ऐड भी चला रहे हैं, कंटेंट भी पोस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों के साथ इंगेज नहीं कर रहे. अगर कोई कमेंट कर रहा है वो उसका जवाब नहीं दे रहे, अगर कोई सवाल पूछ रहा है कमेंट का जवाब भी दे रहे हैं तो थैंक यू, आप इंगेज करें. जिस तरह कॉन्वर्सेशन, अगर किसी ने कोई कमेंट किया तो आपका कमेंट इस तरह होना चाहिए कि उसको दोबारा कमेंट करना पड़े, मतलब आपने उससे बात की और आगे से कोई सवाल पूछ लिया या कुछ प्रॉम्प्ट करके, वुड यू लाइक अ 20% ऑफर, वुड यू लाइक द नेक्स्ट लेटेस्ट रिलीज जब हम करें, इस तरह कोई भी चीज़, ताकि वो आपके साथ इंगेजमेंट बिल्ड हो और रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं. सही है, नेटफ्लिक्स का अगर आप एग्जांपल देखें, नेटफ्लिक्स के फेसबुक पेज पे आप जाएं, अभी चले जाएं, आप देखें कि वो कमेंट्स में किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं. सही है, वो लोगों को जिफ्स भेज रहे हैं कमेंट्स में, जोक्स क्रैश कर रहे हैं, फनी बातें कर रहे हैं. सो बिल्डिंग रिलेशनशिप होना चाहिए आपका कॉन्टेंट, सिर्फ थैंक यू, हेलो, नाइस, ये सब नहीं आपने कहना, बल्कि आपने इंगेजमेंट बिल्ड करनी है. अच्छा, हैश टैग्स नंबर 16 पॉइंट है, हैश टैग्स इस्तेमाल करें. बेशक लोग सोचते हैं शायद ट्विटर और इंस्टाग्राम पे सिर्फ हैश टैग्स होते हैं, फेसबुक पे नहीं होते, बट फेसबुक पे भी अगर आप अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो हैश टैग्स इस्तेमाल करें. हैश टैग्स की दो अप्रोचेज हैं, या तो आप फैशन पोस्ट इस तरह के, फैशन की फॉर एग्जाम्पल पोस्ट है तो फैशन का हैश टैग इस्तेमाल कर लिया. सो अगर आपका ब्रांड ऑलरेडी लोगों की नज़रों में है, या आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, जैसे हमने आस्क दान काश का हैशटैग क्रिएट किया हुआ है, इस तरह आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के भी हैशटैग क्रिएट कर सकते हैं. सो आप हैशटैग्स के लिए सर्च भी कर सकते हैं कि पॉपुलर हैशटैग्स क्या चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपका वीडियो है हाउ टू अवॉइड गेटिंग पिम्पल्स ऑन एन ऑयली स्किन, सो हैशटैग ऑयली स्किन, हैशटैग पिम्पल्स, हैशटैग ऑयली स्किन केयर, हैशटैग स्किन केयर, ये सारे आपके रेलिवेंट हो. लेकिन रेलिवेंट हैशटैग्स होने चाहिए, ये नहीं आप उसमें हैशटैग हेयर केयर डाल दो, बिकॉज हेयर का कोई ताल्लुक नहीं है ना आपकी पोस्ट से. सो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करेंगे तो अपनी वेबसाइट पे, अपनी डिफरेंट जगहों पे आपको कोई कूपन मिलेगा. सो इस तरह भी आपके सेल्स लाइक्स इंक्रीज होंगे अगर आप कूपन या कोई डिस्काउंट या कोई ऑफर लोगों को दे रहे हैं फेसबुक पेज लाइक करने के अगेंस्ट. फिर लाजमी ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करें कि लोगों को जब भी, कल मैं एक रेस्टोरेंट में गई, छोटा सा रेस्टोरेंट था चाय वाला, हम जाके वहाँ बैठे, चाय शाय हमने पी, तो वो बंदी आ गई, उसने कहा कि चाय आपको कैसी लगी, मैंने कहा अच्छी लगी, उसने कहा प्लीज़ आप हमारे पेज को चेक इन कर दें और उसको 5-स्टार रैंकिंग दे दें. छोटा सा रेस्टोरेंट है लेकिन उनको ये पता है कि हमने चेक इन करवाना है और रेटिंग लेनी है, इससे उनकी पेज की इंगेजमेंट भी बढ़ रही है और रेटिंग भी इम्प्रूव हो रही है. सो आप जब भी किसी बिजनेस के साथ, किसी कस्टमर के साथ इंगेज कर रहे हैं या उसे प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो उसे लाजमी फॉलो अप करके कहें कि यार आप इसको टैग भी करो हमारे पेज के, अपनी प्रोडक्ट अगर आपको भेजिए इसको टैग करो. अगर कोई विजिट कर रहा है तो वो, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट है या बार्बर शॉप है या आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग चल के आते हैं, तो आप उनसे ऑन स्पॉट चेक इन भी करवा लो, लाइक भी करवा लो और रेटिंग भी ले लो. सो एफर्ट करनी पड़ती है. ठीक है, ये 18 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपके पेज की इंगेजमेंट, लाइक्स, सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन एफर्ट करनी पड़ती है, ये नहीं होता कि ओवरनाइट कुछ हो जाए या आप एक दिन किया और उसके बाद आपने कभी किया ही नहीं. ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड करनी पड़ेंगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो मीडिया ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, 2.6 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं वहाँ पे. अगर आप इन 2.6 बिलियन एक्टिव यूज़र्स को इंगेज करना चाहते हो तो आपने इनको ज़रूर टिप्स को फॉलो करना है और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके फेसबुक पेज के अभी कितने फॉलोअर्स हैं. कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपके फेसबुक पेज का लिंक क्या है और उसके कितने फॉलोअर्स हैं. ठीक है, इससे आपका पेज प्रमोट भी हो जाएगा और मुझे भी पता चलता रहेगा कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं. ठीक है गाइज, सो अगर आपको कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी बारे में वीडियोज़ मज़ीद बनाऊँ तो dankash.com पे जाएं, आज dankash का बटन है रेड कलर का, उसको क्लिक करें और अपने क्वेश्चंस वहां पे पोस्ट करें. ओके, बाय बाय. बहुत सारे लोग जो उनसे हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया dankash है. नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कॉन्टेंट पहुंचे. इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब,
बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। 0304 111 5786 done kosh.com